दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जब भोले बाबा बुलाते हैं तो भक्त भागे दौड़े चले आते हैं और भगवान शिव की सबसे बड़ी और लोकप्रिय यात्रा केदारनाथ को पूरा करने के लिए हर कोई उतावला रहता है। लेकिन लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर केदारनाथ की यात्रा में कितना खर्चा आता है, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, यात्रा के लिए कब जाना चाहिए और यात्रा के दौरान कौन सी जगह जहाँ हम रुक सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं। ये सभी कुछ ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में अक्सर उठते हैं। पर आप चिंता मत करो, क्योंकि आज के इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक एक जानकारी देने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है, केदारनाथ कैसे पहुंचे? तो केदारनाथ पहुंचने के लिए अगर हम ट्रेन की बात करें तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन, देहरादून रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, इन तीनों में से किसी एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आगे की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आप ट्रेन से नहीं जा सकते। इसके आगे आपको बस की यात्रा करनी पड़ेगी। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा और इन तीनों रेलवे स्टेशन से आपको सोनप्रयाग ले जाने वाली बस अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लेन से केदारनाथ आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आ सकते हैं, लेकिन फ्लाइट का भी सफर सिर्फ देहरादून एयरपोर्ट तक ही हो पाएगा। उसके बाद आपको सोनप्रयाग के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश तीनों ही जगह से बड़े आसानी से बस मिलने लगती है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक बस अवेलेबल रहती है। बस की टिकट आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर हम बस के किराए की बात करें तो दोस्तों अगर आप स्टेशन के बाहर ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो ये प्रति पर्सन 350 रुपए के आसपास पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन अपने मनपसंद की सीट बुक करते हैं तो इसका खर्चा 500 रुपए भी आ जाता है। हालांकि कुछ सेमी स्लीपर बसें भी चलती है जिनका किराया 700 रुपए भी होता है। हालांकि अगर आप अपनी पर्सनल कार या बस लाना चाहते हैं तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, सोनप्रयाग तक आप आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोई भी पर्सनल कार या बस आगे नहीं जाती। अब आप जब सोनप्रयाग पहुंचते हैं और अगर आप वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है या फिर आप वहां रुकना चाहते हैं, क्योंकि कई घंटों का बस का सफर काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो वहां पर आपको होटल का खर्चा 800 से 1000 रुपये पड़ जाएगा। अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। वहाँ कई सारे डॉर्मेट्री बने हैं जिसका चार्ज 350 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से आता है, और अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर आपको हॉल भी मिल जाएंगे, जहाँ एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें आपको गद्दे, तकिए और रजाई दे दी जाएगी और 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, और आपको लॉकर रूम भी दिया जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख कर उसे लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ जाने का सबसे सही समय क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ के कपाट केवल 6 महीने के लिए खुलते हैं, अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच में कपाट खुलते हैं। ऐसे में यहां जाने का सबसे बेहतर समय सितंबर अक्टूबर होता है, क्योंकि इस समय बहुत कम सैलानी आते हैं, आप कम खर्चे में आराम से दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीक सीजन में जाएंगे यानी कि मई जून के महीने में जाएंगे तो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से यहाँ लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है और हर चीज का खर्चा भी ज्यादा रहता है, और जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होती है, ऐसे में आप सही से दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको अच्छे तरीके से दर्शन करने हैं तो सितंबर अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट है। अब आपको सोनप्रयाग से गौरी कुंड पहुंचना है जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। अगर आप सोनप्रयाग से केदारनाथ जी के मंदिर खच्चर से जाना चाहते हैं तो उसका किराया आपको 2500 के लगभग पड़ जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी भी जाती है जहाँ 30 रुपए प्रति व्यक्ति लेते हैं और आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करवा देते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहाँ एक श्री गौरी माता का मंदिर होता है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। हालांकि गौरीकुंड से केदारनाथ की जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर की है, और ये डिस्टेंस आपको पैदल चलकर पूरी करनी है।
इसलिए आपको अपनी यात्रा बिल्कुल सुबह शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप गौरीकुंड से खच्चर करके आगे केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है, जिसका किराया 2300 रुपए पड़ता है। वैसे गौरीकुंड से आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 5000 से 6000 होता है। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आप आराम से अपनी यात्रा पूरी कर पाएं, क्योंकि आगे चढ़ाई बहुत है और बिना लाठी के वो मुमकिन नहीं। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप हेलीकॉप्टर यात्रा भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए आपको सोनप्रयाग जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे पहले एक फाटा नाम की जगह पड़ेगी और यहाँ उतरकर काउंटर बना होता है, जहाँ से आप केदारनाथ जा सकते हैं। एक व्यक्ति का राउंड ट्रिप का किराया हेलीकॉप्टर से 6000 रुपए पड़ता है, जिसमें हेलीकॉप्टर आपको ले जाता है, दर्शन करवाकर वापस फाटा छोड़ता है। वैसे अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, क्योंकि पीक सीजन में ऑफलाइन का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि कई लोग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा का भरपूर आनंद उठाते हैं और नजारों को देखते हुए चलते हैं, जिसमें समय भले ही लगता हो, थकान भी लगती हो, लेकिन इस यात्रा में जो दृश्य देखते हैं वो सच में अद्भुत होते हैं। पैदल यात्रा के दौरान आपको 2013 में जो आपदा आई थी उसके भी निशान देखने को मिलेंगे, और पैदल यात्रा के दौरान आप बड़े आराम से जगह जगह पर लगे चाय नाश्ते के स्टॉल से कुछ खाते पीते भी जा सकते हैं, और टॉयलेट वगैरह भी जगह जगह पर व्यवस्था बनी हुई है। और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए भी मेडिकल कैंप भी थोड़ी थोड़ी दूरी में लगे होते हैं। यानी कि आपकी केदारनाथ यात्रा में आपके लिए पूरी व्यवस्था होती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और प्रचलित यात्रा है। लोगों की आस्था और विश्वास इससे जुड़ा हुआ है, और जब लोग केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो उनको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, और वो अनुभूति उनसे कोई छीन ना पाए, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।